आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। फिरोजाबाद में करंट लगने से हुई युवक की मौत। जहां खेत में लगे तार में दौड़ रहा था करंट, जिसकी चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक रामगढ़ के सैलई प्रेम नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। मौके पर पहुंचे सदर विधायक मनीष असीजा। तो फिरोजाबाद से खबर सामने आई है, जहां करंट लगने की वजह से एक युवक की मौत की खबर सामने आई है। जहां खेत में लगे तार में करंट दौड़ रहा था, जानवरों से बचने के लिए ये तार लगाया गया था, जिसके बाद मौत हो गई है एक युवक की। आपको बता दें कि वही मौके पर सदर विधायक मनीष असीजा पहुंचे हुए। फिरोजाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां फेंसिंग में करंट दौड़ने की वजह से एक युवक फेंसिंग के चपेट में आ गया। आपको बता दें कि खेत के चारों तरफ फेंसिंग लगा रखी थी, जिसमें करंट दौड़ रहा था। जहां पर मृतक रामगढ़ के सैलई ग्राम को बताया जा रहा है, जहां पर युवक की मौत की खबर सामने आई है। और इसी बीच सोनभद्र से बड़ी खबर, जहां पर कोरोना के 3 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि मरीजों के घर पहुंची है स्वास्थ्य विभाग की टीम। सीएमओ ने कोरोना प्रोटोकॉल के फॉलो करने के निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। तो सोनभद्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कोरोना के 3 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीजों के घर पर पहुंची हुई है। वहीं सीएमओ ने कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो बड़ी खबर सोनभद्र से, जहां पर कोरोना का प्रकोप बढ़ता दिखाई दे रहा है। 3 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल तीनों मरीजों के घर पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच चुकी है। वहीं सीएमओ ने कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करने के निर्देश जारी कर दिए। आपको बता दें कि कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओमिक्रोन का साया भी देखने को मिल रहा है। वहीं सोनभद्र से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां 3 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित 3 लोग पाए गए हैं, जिसके बाद तत्काल रूप से मरीजों के घर पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।